नहीं हुई मजबूरन। आज हमें यहाँ आके देखा तो कम से कम 100 से 150 महिलाएं और पुरुष अंदर थे, वो ईसाई करण पूरा बात भी हुई है उनसे, माने कि हमारा था ईसु है कौन, भगवान क्या है, क्या कर लेगा। राजस्थान के भरतपुर जिले में धर्म परिवर्तन कराने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। यहाँ एक के बाद एक कई धर्म परिवर्तन के मामले सामने आ चुके हैं और एक बार फिर भरतपुर से बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है और जिससे पूरे क्षेत्र में हंगामा मच गया है। दरअसल एक मकान में कुछ लोग चर्च फाउंडेशन का बैनर लगाकर प्रार्थना कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक यहाँ के फाटक नंबर 39 पर रविंद्र नाम के शख्स के घर में धर्म परिवर्तन का यह पूरा खेल खेला जा रहा था। रविंद्र के घर पर मंत्रांतरण कार्यक्रम चल रहा था और लोगों को 500-500 रुपए के नोट देकर इस कार्यक्रम में बुलाया गया था। इस कार्यक्रम में लगभग 40 लोग मौजूद थे। कार्यक्रम का आयोजन रविंद्र कुमार और उसकी एक महिला साथी ने किया था। जानकारी के मुताबिक रविंद्र यहाँ लोगों को बहला फुसला कर और चंद रुपयों का लालच देता और बीमारी ठीक करने का बहाना बनाकर लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा था। इसका खुलासा स्थानीय लोगों ने किया और जब बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन कराए जाने की सूचना विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मिली तो वे मौके पर पहुंचे और उन्होंने इसका विरोध किया। विश्व हिंदू परिषद के लगभग 50 कार्यकर्ता धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए मकान में घुसे और पति पत्नी समेत कई लोगों के साथ मारपीट की। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने सभा में घुसकर धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया को रोकने की कोशिश की तो दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। जानकारी के मुताबिक यह मामला मथुरा गेट थाना इलाके में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का है। यहां विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने आरोप लगाया कि ईसाई मिशनरी के लोग सेंटर चलाकर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, जिसके बदले चंद रुपयों का लालच दिया गया था। मामले की जानकारी जब पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा कर रहे लगभग 28 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। व्हिप कार्यकर्ता का आरोप है कि यहाँ लंबे समय से धर्म परिवर्तन का खेल खेला जा रहा है और रविंद्र नाम का शख्स यह सब करवा रहा है। उसने अपने नाम से चर्च फाउंडेशन बना रखा है, उसके तार सीधे चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। करीब 4 साल पहले रविंद्र को उसके गांव के लोगों ने गांव से बाहर निकाल दिया था क्योंकि उसने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया था। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को नाली में बहाकर उसने अपमान किया था। इसके कारण गांव के लोगों ने उसे गांव से निकाल दिया था और तभी से वह भरतपुर में रहकर धर्म परिवर्तन का खेल खेल रहा है। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि बीते करीब 8 साल से यहां धर्म परिवर्तन का खेल खेला जा रहा है। रुपयों का लालच देकर और बीमारी ठीक करने का बहाना बनाकर लोगों को यहां बुलाया जाता है, फिर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है, लेकिन इस पर अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। बता दें कि भरतपुर में बीते कुछ समय में धर्म परिवर्तन के लगभग 5 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि पुलिस ने कई लोगों को इस मामले में हिरासत में ले लिया है और अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। दिल का मरीज है, कोई किडनी का मरीज है, उनको बुलाया जाता है, उनको बहला फुसला कर कि ये आप पानी पियो, होली वाटर पियो, इससे आप सही हो जाओगे, ईसा मसीह की प्रार्थना करो, उससे आप सही हो जाओगे। तो ये प्रार्थना कर रहे थे और ये कह रहे थे, हमारे कार्यकर्ता आए, उनसे घुसने नहीं दिया, बदतमीजी करी। उसके बाद सभी लोग एकत्रित होकर आए तो उसमें ये कह रहे थे कि आपके जो हिंदू देवी देवता हैं वो बेकार हैं, उनको अपने घरों में से निकाल के नाली में फेंक दिया जाए, अपनी घर में मूर्ति नहीं रखनी है, हमारा जो परमात्मा है, परमेश्वर है, वो एक ईसा मसीह है, उसी की प्रार्थना करनी है, उसी की प्रार्थना करने के बाद में हमको मुक्ति की प्राप्ति होगी। और इस और 8-10 जेंट्स थे, एक कोई अपने आप को बताता है, वो इनका सरगना बताता है, वो अलवर CMHO को कोई भाई बता रहा है, जो अलवर CMHO है उसका भाई बता रहा है अपने आप को कि मैं अलवर CMHO का भाई हूँ। पहले तो उससे पूछा तो वो बोला कि हाँ हाँ हम कराने आए। उसके बाद जब सभी लोग आ गए तो उन्होंने पूछा कि भाई सही सही बता क्या है, भगवान कि हाँ हम कराते हैं तो क्या हुआ, ये स्वेच्छा से कर रहे हैं ईसा कर्म। जब कुछ और यहाँ के लड़के आ गए थे, उन्होंने धक्का मुक्की करी, उनको बचा के बाहर लाए। बाहर लाने के बाद देखा, फिर बता रहा है अपने आप को, साहब मेरे ये रिश्तेदार हैं। हमने कहा क्या रिश्तेदारी है, कैसा मुँह बोली बहन है, मैं कि नाम क्या है, न तो नाम बता पा रहा है, न इनका गांव बता पा रहा है। इनका उद्देश्य सिर्फ हिंदुओं को कमज़ोर करना है, हमारी देवी देवताओं को आघात करने का काम है इनके पास।